हेलो गैस, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आप लोग को धनसिरी नदी का नज़ारा दिखाते हैं। धनसिरी नदी के आसपास में क्या है वो भी आपको दिखाते हैं। तो चलिए, मतलब मैं आप लोग तो धनसिरी नदी तो सोचे होंगे कि धनसिरी नदी में ऐसा क्या है। तो धनसिरी नदी में कुछ मतलब आपको आसपास का कुछ नज़ारा आपको दिखाते हैं, क्योंकि आज दो दिन से मेरा कोई ब्लॉग्स नहीं बना है। इसके लिए मैं आप लोग सोचता हूँ कि मतलब खाली जाने नहीं दूँगा, बल्कि एक ब्लॉग्स आप लोग को बना के दिखा रहा हूँ। तो चलिए मेरे साथ में बने रहिए, आपको दिखाते हैं जैसे धनसिरी का नज़ारा है। जैसे आपको पहले धनसिरी दिखाते हैं, जैसे ये देख पा रहे हैं आप धनसिरी नदी है, और नदी का ऊपर में काम चल रहा है एक ब्रिज बनाने का। जैसे बर्मा कैम संडे बाज़ार होते हुए आपको पुराना बाज़ार आने के लिए एक ब्रिज बना रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो आपको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, जैसे देख पा रहे हैं एक टाटा यहाँ से बालू निकल रहा है, रेत निकल रहा है, वो मतलब ले जाके मतलब मार्केट में उसका सेलिंग होता है। तो मतलब देख सकते हैं, जैसे ये जो ब्रिज है, ये ब्रिज मतलब आपको मतलब संडे बाज़ार से होते हुए आपको जैसे पुराना बाज़ार आने की रोड ये ब्रिज बना रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ से शायद कुचा बिल भी जा सकते हैं। तो मैं आपको यही दिखाने का मतलब वही है कि जैसे ये धनसिरी ब्रिज का ऊपर से आपको एक जो ब्रिज दिखाई दे रहा है, धनसिरी नदी का ऊपर में जो एक ब्रिज दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं, मतलब बहुत ही सुंदर है। और अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ, देख सकते हैं अभी कुछ दिन के बाद में, मतलब जैसे आप यहाँ से धनसिरी नदी से जैसे संडे बाज़ार होकर आप पूर्णा बाज़ार डायरेक्ट आ सकेगा। वहाँ से आपको कुचिया बिल होकर आप पूरा बुकाजान भी जा सकेगा। तो मेरा कहने का मतलब वही है। तो आपको मैं यही दिखाना चाहता हूँ कि ये धनसिरी नदी का नज़ारा आप देख लिए। तो और देख सकते हैं जैसे ये नदी है, जो नदी पे भरपूर पानी होता है, इसमें मतलब पूरा जो आपको कुछ टाटा जो दिख रहा है वहाँ पे कम से कम 20-22 फीट पानी वहाँ पे ऊपर उड़ जाते हैं। आज उसी जगह पे मतलब बालू है, और ये बालू ऐसा पूरा निकला हुआ है, रेत निकला हुआ है। देखिए टाटा यहाँ अंदर घुस के रेत निकल रहा है। तो चलिए धनसिरी का नज़ारा आपको दिखाएँ, और आसपास का भी आपको कुछ नज़ारा दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे मकई का खेत है, इसके बाद में वो एरिक का जो घास है आप देख सकते हैं, जिसे चादर बनता है उसका एरिक का घास, इसको ये तितलियाँ उसको खा के उसमें से ये जो बीज निकलता है उसमें से एरी बनता है, तो ये एरिक का ही घास बोलते हैं उसको। तो आप देख सकते हैं जैसे इसमें से ये जो पौधा जब देख रहे हैं, इसमें मतलब वो तितलियाँ खाती है इस पौधा, मतलब तितली का ही खाना है ये खा के क्या करेगा, जो बच्चा जो निकलेगा, तो वो बच्चा टू का सिर्फ बदन से जो रस्सी निकलेगा, जो सूता निकलेगा, उस सूता से मतलब एरी का चादर बनता है। तो ये देख सकते हैं ये गाछ है जिसमें ये तितली का खाना है, और तितली का खाना जो खा के जो तितली जो बच्चा देती है, उस बच्चा से जो रस्सी जो सूता जो निकलता है उसमें से एरी का चादर बनते हैं। उसमें बहुत मेहनत है, ऐसा नहीं कि उसमें चादर बनते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे ये धनसिरी नदी के आसपास का ही नज़ारा आप देख सकते हैं। जैसे ये अब वहाँ देख सकते हैं धनसिरी है, और यहाँ पे ये खेती है, तो बहुत ही सुंदर है, देखने में अच्छा लगेगा आपको। इसके लिए मैं सोचा हूँ कि आप लोग को एक ब्लॉग्स यहीं पर मैं दिखा दूँ। तो देख सकते हैं आपको चारों तरफ से यहाँ के मैं दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर कुछ फूल वगैरह है आप देख सकते हैं, ये खास करके तो मुझे ये फूल बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हैं। एक बोगड़ी का पेड़ भी है, बहुत सारे लोगों को बोगड़ी का पेड़ कैसा होता है मालूम नहीं है, देख सकते हैं। जिनको मालूम है उनके लिए कोई बात नहीं है, जिनको मालूम नहीं है कि बोगड़ी का हम लोग तो बोगड़ी तो खाते हैं लेकिन उसका पेड़ कैसा होता है, तो ये देख सकते हैं बोगड़ी का पेड़ है। जैसे बहुत सारे शहर में रहने वाले लोगों को मतलब बोगड़ी का पेड़ नहीं देखे होंगे, तो गाँव में आने से तो देखते होंगे लेकिन शहर में तो नहीं मिलता होगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे कुछ फूल्स वगैरह है, और मतलब ये फूल तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, आप देख सकते हैं। जैसे बहुत ही सुंदर ये फूल का नज़ारा, और आपको वहाँ का जैसे नदी का आसपास में ही है, और यहाँ पे कुछ तामुल का पेड़ वगैरह भी लगा के रखे हुए, बहुत ही सुंदर है। और मेरा कहने का मतलब जैसे नदी का उस पर में भी आदमी रहते हैं, जैसे ये बर्मा के मेरिया का उस तरफ है। अभी फ़िलहाल मैं कुचा बिल का तरफ से आके मतलब पूर्णा बाज़ार का रोड से आके आपको ये ब्रिज दिखा रहा हूँ, जैसे देख सकते हैं ये ब्रिज है। तो चलिए मैं आपको और आगे कुछ ख़ास अगर होगा तो मैं आपको दिखाएंगे। जैसे ये फ्लावर देख सकते हैं,
जैसे फ्लावर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसके लिए सोचता हूँ कि मेरा व्यूवर्स लोग को भी मैं एक बार दिखा दूँ। शायद मेरा बातों को अगर आप लोग को हंसी भी आ रहा होगा, लेकिन इसमें हंसने का बात नहीं, मैं जो बोलता हूँ वो हकीकत बोलता हूँ, क्योंकि बहुत सारे मेरे व्यूवर्स लोग को इंतज़ार है कि जैसे मैंने वीडियो दो दिन से मैं वीडियो नहीं भेजा, इसके लिए मैं एक छोटा मोटा वीडियो बना रहा हूँ आप लोग को देखने के लिए, क्योंकि आप लोग इंतज़ार कीजिए, आप लोग को और भी बहुत सारा कुछ ऐसा दिखाने वाले हैं। अभी फ़िलहाल मेरे पास में थोड़ा टाइम का कमी है, इसके लिए मैं आप लोग को वीडियो नहीं दिखा पा रहा हूँ, तो उसके लिए मैं आपको ये छोटा मोटा एक ब्लॉग आपको दिखा रहा हूँ। तो गाइस मैं ये वीडियो आगे आपको कुछ और ख़ास कुछ अगर होगा तो आपको और भी दिखा देंगे। तो मैं यही समाप्त करता हूँ इसको। थैंक यू।